महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में खदेड़े गए हैं एकनाथ शिंदे। जी हाँ दोस्तों, जोरदार तरीके से को पैक के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए, विरोध हुआ तेज। बीजेपी के नेताओं सहित एनडीए के नेताओं का जानेंगे पूरी खबर। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी वोटिंग से एक दिन ठीक पहले ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है, भाजपा की हार की बौखलाहट नजर आने लगी है। तीसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी इंडिया गठबंधन भड़क गया चुनाव आयोग पर। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर। और वहीं अजीत पवार ने भी बागी तेवर अपना लिए हैं, बात होगी दोस्तों आगे वीडियो में। खबर आ रही है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दावा कर दिया, आखिर कैसे भाजपा जीती इसको लेकर के खुलासा किया गया है, कब यहां पर ईवीएम में खेल किया गया। दोस्तों एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा दोस्तों, खबरों में बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर यही मानते हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी अपडेट आ रही है बताते चले, वोटिंग के अगले दिन ईवीएम की गई है। उदय भान का सनसनीखेज दावा हरियाणा के नतीजों को लेकर के, हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम ऐसे सामने निकल के आए जो कि हरियाणा की जनता और कांग्रेस पार्टी के भी गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं नतीजे, और वहीं चुनाव आयोग भी कोई भी जांच करने को तैयार नहीं है। इस बीच दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता उदय भान ने अपने निर्वाचन क्षेत्र होडल में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 5 अक्टूबर को वोटिंग के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचे थे, और इस दौरान उन्होंने बताया था कि पहाड़ से 15 लोगों की एक टीम ईवीएम को हैक करने पहुंची है, अगर आप कुछ कर सको तो कर लो। इसके अगले दिन यानी कि 6 अक्टूबर को बाहर से आई टीम ने अपना पूरा काम कर लिया, जिसके बाद 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया के सामने आकर के कहा कि हमारी सब तरह की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, अब हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, व्यवस्था पूरी हो चुकी है। नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार यहां पर ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन देख सकते हैं कि चुनाव आयोग है जो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को ही ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो किस तरीके से यहां पर ईवीएम के जरिए चुनाव करवाया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को ईवीएम पर भरोसा है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही दीजिए। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर एकनाथ शिंदे का जोरदार तरीके से हुआ विरोध। मुंबई में चुनाव प्रचार से लौटते समय सीएम एकनाथ शिंदे को दिखाए गए काले झंडे, गो बैक के नारे लगे, उनके काफिले को रोकने की भी कोशिश की गई। जी हां दोस्तों, एनडीए को लेकर के लोगों के बीच में किस कदर का गुस्सा है, इस खबर से ही अंदाजा लगाइए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है, चुनाव प्रचार भी जोरों पर है, सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस बीच चुनाव प्रचार करने गए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुंबई में कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, इसके साथ ही उनके काफिले को भी रोकने की कोशिश की गई। और वहीं खबरों के मुताबिक मुंबई में यहां पर प्रचार करने के लिए निकले थे एकनाथ शिंदे, और इस दौरान यहां पर उनको लोगों ने घेर लिया, काले झंडे दिखाए गए, उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, और इस दौरान पुलिस भी हरकत में आई, जिसके बाद में मामले को संभाला गया। देख सकते हैं कि गो बैक तक के नारे अब यहां पर बीजेपी और उसके सहयोगी नेताओं के खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव से वोटिंग से ठीक पहले भाजपा बौखला गई है, केंद्र सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर भेज दी है ईडी की टीम। जी हाँ दोस्तों बताते चले मामला क्या है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर एक्शन में ईडी, वोटिंग से पहले 17 ठिकानों पर रेड, मनी लॉन्ड्रिंग का शक। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अंडर आती है, और फिर भी पिछले 10 सालों से देख सकते हैं कि केंद्र में भाजपा की ही सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और फिर भी यहां पर नरेंद्र मोदी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और हिमंत बिस्व शर्मा खुद ही स्वीकार करते हैं कि घुसपैठ रोकने में भाजपा की सरकार नाकाम है। इतना ही नहीं दोस्तों, अपडेट आ रही है वोटिंग से ठीक पहले ईडी एक्टिव कर दी गई है। राज्यों के अंदर बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ कराने के मामले में अब ईडी ने जांच शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच के लिए इस मामले में 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं। यहां पर वोटिंग होनी है कल, उससे पहले ईडी राज्य के अंदर एक्टिव कर दी गई है। ये छापे
झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक साथ मारे गए हैं ईडी की तरफ से, जिसके बाद में देख सकते हैं कि कई तरह के टाइमिंग को लेकर के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वोटिंग से ठीक पहले भाजपा कई राज्यों में सीबीआई ईडी आईटी एक्टिव करती है, वैसा ही झारखंड और यहां पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में भी किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को देखिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी ली गई, हेलीकॉप्टर की जांच की गई चुनाव अधिकारियों की तरफ से, लेकिन क्या किसी चुनाव आयोग के अधिकारी में इतनी हिम्मत है कि पीएम मोदी या अमित शाह के हेलीकॉप्टर की या बैग की जांच कर पाए? ये उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर चुनाव आयोग से कहा और अब संजय राउत भड़क गए चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग को जांच के लिए केवल विपक्षी पार्टियों के कार और हेलीकॉप्टर दिखते हैं। महायुति 25-25 करोड़ प्रत्याशियों को बांट रही है, उस पर चुनाव आयोग आंख मूंद लेता है। देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे देश का चुनाव आयोग दोस्तों काम करता हुआ नजर आ रहा है। जांच के नाम पर केवल विपक्षी पार्टियों के ही हेलीकॉप्टर और कार यहां पर चुनाव आयोग की टीम को मिलते हैं। और वहीं खबर आ रही है अजीत पवार बागी तेवर अपना चुके हैं, चुनाव के बाद में अजीत पवार किधर होंगे किसी को कुछ भी पता नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की महाराष्ट्र में कोई भी जगह नहीं है। अजीत पवार लगातार बीजेपी के नफरती नारों पर आपत्ति जता रहे हैं, विरोध दर्ज करवा रहे हैं। चुनाव के बाद अजीत पवार के अगले कदम पर सबकी निगाहें यहां पर रहेंगी। अजीत पवार बड़ा खेल भाजपा के साथ में कर सकते हैं, अभी तक भाजपा ही सभी पार्टियों के साथ में खेल करती थी, लेकिन इस बार भाजपा के साथ में ही खेला करने की तैयारी में अजीत पवार नजर आएंगे। दोस्तों, 23 नवंबर के बाद ये खेल शुरू होगा, आप लोग इस पर नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो भी अपडेट होगी पहुंचाएंगे। इससे संबंधित खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहां पर अमेठी में समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह के द्वारा कस्बे में एक नया पोस्टर लगाया गया। इस होर्डिंग में लिखा है अखिलेश जी का, यहाँ पर देख सकते हैं कि फियर है भाजपा का अंत नियर है, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे, 2027 के सत्ताधीश अखिलेश यादव, ये यहाँ पर बैनर लगाए जा रहे हैं दोस्तों। और वहीं देख सकते हैं कि अमित शाह ने झारखंड की एक चुनावी रैली में बयान दिया कि अगर बीजेपी झारखंड में सरकार बनाती है तो यहाँ के लोगों को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, ये अमित शाह ने झारखंड में कहा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा वाले जुमले किस कदर के फेंकते हैं। बिहार के अंदर किसकी सरकार है अमित शाह को ये बताना चाहिए, एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर, बीजेपी सरकार का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर बाहर काम करने के लिए जाते हैं, और झारखंड के अंदर अमित शाह गारंटी देते हैं, वादा करते हैं कि सरकार में आई बीजेपी तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा वाले चुनाव में जबरदस्त जुमले फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चुनाव के दौरान आए महाराष्ट्र के सर्वे पर सवाल उठाए हैं, गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। खास बात तो यह है कि चुनाव आयोग भी मूक दर्शक बनके तमाशा देख रहा है। संजय सिंह ने तत्काल सर्वे एजेंसी के मालिक को गिरफ्तार करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने सर्वे दिखाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया लगातार यहाँ पर सर्वे जारी कर रही है एजेंसियों की तरफ से, जिसके बाद में यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने फिर किया सीएम योगी की कुर्सी जाने का दावा, कहा दिल्ली वाले मौका देख रहे हैं। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर के निशाना साधा और कहा कि जल्द ही उनकी कुर्सी जाने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद में यूपी में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। और वहीं महाराष्ट्र चुनाव के बाद सीएम योगी की कुर्सी छीन ली जाएगी, आजकल सरकार को अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद इनकी कुर्सी नहीं बचेगी किसी भी कीमत पर, यह अखिलेश यादव का दोस्तों कहना है। समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।